हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीईआरटी क्लासेस बाय राकेश टेम्परेचर। आज हम बात करेंगे बच्चों क्लास 12th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन की, जिसमें हम एक्सरसाइज 1.3 के सॉल्यूशन की बात करने वाले बच्चों। जिसका पहला क्वेश्चन क्या दिया गया हमारे पास, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है कि मान लीजिए कि एफ फ्रॉम 1, 3, 4 टू 1, 2, 5 तथा जी फ्रॉम 1, 3, ठीक है, एंड एफ इज इक्वल टू 1, 2, 3, 5 एंड 4, 1 एंड जी इज इक्वल टू क्या दिया गया है 1, 3, 2, 3 एंड 5, 1 द्वारा प्रदत्त है। तो हमें गॉव ज्ञात करना है, हमें क्या ज्ञात करना है, गॉव ज्ञात करना है। तब देखिए इसके हम हल में क्या लिखेंगे, गॉफ निकालेंगे तो जी ऑफ एफ। अब देखिए ना, गॉफ निकालना है हमें, फॉग तो निकालना नहीं है, अब गॉफ निकालना है। गॉफ निकालने के लिए आपको समझना पड़ेगा, कैसे समझना है, पहले थोड़ी सी इस कंडीशन को समझ लीजिए। क्या कह रहा हूँ मैं कि देखिए, यदि आप एफ ये फंक्शन से देखना ना, एफ यदि 1 रखते हैं तो एफ 1 की वैल्यू क्या है 2 है, यदि एफ 3 रखते हैं तो इसकी वैल्यू क्या है 5 है, यदि एफ 4 रखते हैं तो इसकी वैल्यू क्या है 1 है। इसी प्रकार से यदि आप जी 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, जी 1 रखेंगे तो कितना है 3 है, यदि जी 2 रखते हैं तो इज इक्वल टू कितना है 3 आ जाएगा, और जी 5 रखते हैं तो कितना है 1 आता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अब देखिए मुझे क्या निकालना है, गॉफ निकालना है, तो गॉफ निकालेंगे है ना, जी ओ एफ। अब गॉफ सबसे पहले मैं 1 की वैल्यू निकाल देता हूँ, सबसे पहले मैं 1 की वैल्यू निकालता हूँ, तो गॉफ 1 इज इक्वल टू, अब देखो ना, गॉफ 1 को मैं जी ऑफ एफ 1 लिखूँगा, जी ऑफ एफ 1 इज इक्वल टू क्या होगा। अब देखो यार कि क्या है गॉफ, देखो यहाँ ध्यान से समझिए कि एफ 1 की वैल्यू, ध्यान से समझना अच्छे से कि एफ़ वन की वैल्यू कितनी है 2 है। दो तरीके हो सकते हैं इसको बनाने के, देखो दो तरीके मैं बता देता हूँ यहाँ से, कि आप यदि एफ़ वन की वैल्यू रखते हो तो 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जी 2। बात समझ में आए, एफ़ वन की वैल्यू कितनी है 2 है, इसलिए मैंने 2 रख दिया, क्लियर। इज इक्वल टू क्या होगा, अब जी 2 की वैल्यू कितनी है 3 है, तो ये 3 रख दिए, क्लियर हो गया, तो ये आंसर हो गया। या आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि जी ऑफ एफ़ वन हो जाता, अब जी ऑफ एफ़ वन होता तो अब देखिए फंक्शन को समझिए अच्छे से, अब फंक्शन की बात करते हैं तो क्या हो गया, जी है ना, जी एफ वन यानी जहाँ पर एक्स है, जहाँ पर एक्स है वहाँ एफ वन की वाली बात कर लेते, तो ये यहाँ तो फंक्शन क्रिएट नहीं है ना, फंक्शन क्लियर नहीं, तो आप ऐसे नहीं बनाएंगे। चलो ठीक है, इसी इसमें हम समझ लीजिए, इसी इसमें बनाएंगे। अब देखो जी ऑफ एफ टू की बात करते हैं, देखो जी ऑफ एफ टू 2 है क्या, नहीं है 3 है सीधे, जी ऑफ एफ 3 इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा जी ऑफ एफ 3 इज इक्वल टू, अब देखिए एफ 3 की वैल्यू कितनी है 5 है, तो जी 5 हो जाएगा, एंड अब जी फाइव की वैल्यू कितनी है 1 है, 1 हो जाएगा इसका आंसर, एंड जी यानी गॉफ, अब बात करने वाले हैं 4 की, गॉफ 4 की वैल्यू की बात करते हैं, तो ये इसको लिखेंगे जी ऑफ एफ 4 एंड एफ 4 की वैल्यू कितनी है, एफ 4 की वैल्यू 1 है, तो हो जाएगा जी 1, और जी 1 की वैल्यू कितनी बेटा 3 है, तो 3 इसके आंसर ही हो जाएंगे। समझ में आ गया पहला क्वेश्चन, तो प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो देखिए हमने क्या निकाल दिए, गॉफ 1 की वैल्यू निकाल दिए 3, गॉफ 3 की वैल्यू 1 एंड गॉफ 4 की वैल्यू कितनी निकाल दिए 3, तो हमको गॉफ निकालने बोला था, तो गॉफ निकाल देंगे तो गॉफ इज इक्वल टू कितना होगा, देखो 1 की इमेज कितनी आई 3 आई, फिर देखिए 3 की इमेज कितनी है 1 है, एंड 4 की इमेज कितनी आई 3 आ गई, ठीक है, तो हमारे पास गॉफ ये निकल गया। इसको निकालने के तरीके और समझ लीजिए थोड़ा सा, देखो इसको मैं ऐसे भी बता सकता था कि मान के चलिए ये सेट ए हो गया, मैं इसको सेट ए मान के चलता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ, इसको बी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं, ठीक है, तो हम क्या काम करेंगे बेटा कि ये ए हो गया मान के चलिए, ए क्या है 1, 3 एंड 4, ठीक है, अब बी देख लीजिए यहाँ पर, ये बी हो जाएगा, तो बी इज इक्वल टू कितना है 1, 2 एंड 5, एंड अब देखो सी क्या है बेटा हमारे पास, सी है 1 एंड 3 है, ये सी हो गया। तो देखो ना, ये फंक्शन एफ के लिए और ये फंक्शन किसके लिए, जी के लिए, ये जी एक्स हो गया और ये एफ एक्स हो गया, क्लियर। अब देखो ना कि देखो इस फंक्शन एफ के लिए डोमेन तो ये हो जाएगा और कोडोमेन बी हो जाएगा, एंड इस फंक्शन के लिए डोमेन ए हो जाए, बी हो जाएगा, एंड कोडोमेन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तब हम क्या बात करेंगे कि देखिए 1 की इमेज कितनी है, 1 की इमेज 2 है ना, यहाँ पर देख लो ना, 1 की इमेज क्या है 2 है, तो 1 की इमेज 2 हो, सॉरी 1 की इमेज कितनी है 2 है, तो 1 की इमेज क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर 1 की इमेज 3 की इमेज 5 है, 3 की इमेज 5 हो गई, एंड 4 की इमेज 1 है, तो 4 की इमेज 1 हो गई, क्लियर है। अब देखिए इसी प्रकार से अब हम बात करते हैं किसके लिए, जी के लिए, अब कितना हो जाएगा 2, 1 की इमेज कितनी है 3 है, 1 की इमेज 3 हो गई, एंड अब 2 की इमेज कितनी है 3 है, तो 2 की इमेज क्या हो जाएगी 3 हो जाएगा,
एंड 5 की इमेज कितनी है, 1 है, तो 5 की इमेज क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब देखिए तो यहाँ पर हम निकालेंगे, अब हम क्या निकालने वाले हैं, गॉफ निकालने वाले हैं, गॉफ निकालने वाले ना, तो गॉफ में देखो डोमेन अब क्या हो जाएगा, गॉफ का डोमेन क्या होता है, ए टू, गॉफ फॉर्म ए टू क्या हो जाता है, सी, तो डोमेन ए हो जाता है और कोडोमेन क्या हो जाता है हमारे पास, सी हो जाता है। तो देखिए ना, अब देखो वन की इमेज 2 थी और 2 की इमेज 3 थी, तो 1 की इमेज क्या हो जाएगी यहाँ पर, 3 हो जाएगी, ठीक है, 1 की इमेज 3 हो गई। अब देखो 3 की इमेज 5 एंड 5 की इमेज 1, मतलब 3 की इमेज क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो 3 की 1 हो गई। अब देखो 4 की इमेज 1 और 1 की इमेज 3, तो भैया 4 की इमेज 3 हो गई, देखो 4 की इमेज सीधे सीधे ये 3 आ गई, समझ में आया, इस प्रकार से भी आप समझ सकते हैं। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, मान लीजिए कि एफ जी तथा एच आर से आर एक फलन है ना, तक एक फलन है, तो सिद्ध कीजिए कि हमें क्या कहता है कि मानना है कि एफ जी तथा एच आर से आर तक एक फलन है, ठीक है। अब देखो इसमें सिद्ध करना है कि एफ प्लस जी ऑफ एच इज इक्वल टू एफ ऑफ एच प्लस जी ऑफ एच, ठीक है। एंड सेकेंड बोलता है कि जी इंटू एच एफ इंटू जी ऑफ एच इज इक्वल टू एफ ऑफ एच इंटू जी ऑफ एच, क्लियर है। दो क्वेश्चन है, पहले चलो पहला वाला हल कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले मान लेते हैं कि माना, देखो इसके टोटल है ना क्या हो जाएगा, एफ ओ जी है ना, फॉग फॉग या सॉरी आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, एफ प्लस जी ऑफ एच इज इक्वल टू, क्या मान लेते हैं हम कि एफ प्लस जी ऑफ एच है ना, एफ प्लस जी ऑफ एच और ये एक्स ले लेते हैं, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे कि इस एक्स की वैल्यू, अब देखो ध्यान से इसको मैं ऐसे राइट कर सकता हूँ, देखो इसको लिखेंगे एफ प्लस जी, अब ऑफ एच था तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इनटू एच है ना, इनटू एच और ये क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ठीक है। इसको इस प्रकार से राइट करेंगे इज इक्वल टू, अब इस एच एक्स का मल्टीप्लाई, इस एच एक्स का मल्टीप्लाई हम इस किस में कर देंगे, अब हम एफ में कर देंगे और फिर इस एच एक्स का मल्टीप्लाई जी एक्स में करेंगे है ना, जी में करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ इंटू एच और ये एक्स, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अब देखो कि ये टर्म हो गई हमारे पास, तो हम इसको ऐसे राइट कर दिए, अब देखो ये प्लस हो जाएगा, प्लस है तो अब एच एक्स का मल्टीप्लाई जी में, तो g ऑफ क्या हो जाएगा, h x हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हमने ऐसा लिखा तो इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, f ऑफ h x प्लस g ऑफ h x, ठीक है, दोनों में से क्या कॉमन कर देते हैं, दोनों में से हम यहाँ पर x दिख रहा है कॉमन कर दो, तो हो जाएगा f ऑफ h प्लस हो जाएगा g ऑफ h, दोनों में से क्या कॉमन कर दिए, यहाँ पर हमने x कॉमन कर दिए। अब देखो ये क्या था, इसके इक्वल ये था, ये टर्म है ना, इस टर्म की इक्वल ये टर्म है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ f प्लस जी ऑफ h और ये हो जाएगा x। यहाँ पर क्या है, फॉर ऑल x इज बिलोंग टू रियल नंबर, x कहाँ बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है। तो देखिए अब क्या हो जाएगा कि x देखो ये इधर भी x है, इधर भी x है, दोनों x से x हटा दूंगा मैं, क्या हो जाएगा f प्लस जी ऑफ h इज इक्वल टू f ऑफ h प्लस जी ऑफ h, ठीक है। और मुझे यही प्रूव करना था तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया, हैंड्स प्रूव, ठीक है। देखते हैं सेकंड इसका क्या कहता है, एफ एफ इंटू जी ऑफ एच इज इक्वल टू एफ ऑफ एच इंटू जी ऑफ एफ, डी जी ऑफ एच है। अब देखो इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, एफ इंटू जी ऑफ एच इज इक्वल टू, हम यहाँ ले लेते हैं कि एफ डॉट जी इंटू क्या हो जाएगा, अब देखो ये एच था तो इसको ऑफ एच कहेंगे और यहाँ पर ले लेते हैं x, ठीक है। हम इसको ऐसे राइट कर लेंगे कि क्या होगा f डॉट z, अब इसको क्या लिखेंगे हम, इसको लिख देंगे h x राइट कर देंगे, ठीक है। अब देखिए इज इक्वल टू, अब इस h x का मल्टीप्लाई इसमें भी और इसमें भी हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे f इंटू एच एक्स, अब यहाँ हो जाएगा इंटू क्या हो जाएगा g ऑफ क्या होगा h x हो जाएगा ये, अब देखो इज इक्वल टू, इसको मैं ऐसे राइट कर सकता हूँ एफ ऑफ एच एक्स डॉट जी ऑफ एच एक्स, जी ऑफ एच एक्स हो जाएगा, दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, तो एक्स कॉमन दिख रहा है, तो इसको लिखेंगे एफ ऑफ एच इंटू जी ऑफ एच और दोनों में से क्या कॉमन हो गया, तो एक्स कॉमन हो गया। अब ये किसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू है, तो इसको लिखेंगे एफ डॉट जी ऑफ एच एक्स
और यहाँ पर x कहाँ से बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से कर रहा है, फॉर ऑल x इज बिलोंग टू और रियल नंबर। तो क्या हो जाएगा बेटा कि यहाँ से x और यहाँ से x हटा दूंगा मैं, तो f डॉट g ऑफ h इज इक्वल टू f ऑफ h इंटू g ऑफ h, और मुझे यही प्रूव करना था, तो ये प्रूव हो चुका है, तो ये हैंस प्रूव। क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको, तो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, गॉफ तथा फॉग ज्ञात कीजिए यदि पहली कंडीशन दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडलस एक्स तथा जी एक्स इज इक्वल टू मॉडलस फाइव एक्स प्लस माइनस टू, ठीक है, फाइव एक्स माइनस टू है, ठीक है, एंड सेकेंड है एफ एक्स इज इक्वल टू एट एक्स क्यूब एंड जी एक्स इज इक्वल टू एक्स रेस टू द पावर 1/3, ठीक है। तो हम पहले क्वेश्चन कॉल कर लेते हैं, तो पहले क्वेश्चन के हल में हम बात करते हैं, देखो हमें एफ एक्स गिवन है, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडलस एक्स एंड जी एक्स इज इक्वल टू मॉडलस फाइव एक्स माइनस टू है। अब देखो इसको कैसे हल करेंगे, सबसे पहले हम गॉफ निकाल देते हैं, तो इसको लिखेंगे गॉफ एक्स, ठीक है, क्या लिखेंगे गॉफ एक्स, गॉफ एक्स को हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले देखो गॉफ एक्स ज्ञात कर रहे हैं, तो गॉफ एक्स को क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स। अब जब जी ऑफ एफ एक्स लिखा हमने, अब क्या हो जाएगा कि हम यहाँ एफ एक्स की वैल्यू रख देते हैं, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ एक्स की वैल्यू मॉडुलस एक्स है, तो मैं इसको लिखूंगा नेक्स्ट कंडीशन में कि जी ऑफ क्या हो जाएगा मॉडुलस एक्स, जी ऑफ मॉडुलस एक्स। अब देखो यार कि जी मॉडुलस एक्स हो गया, जहाँ पर एक्स है वहाँ मॉडुलस एक्स है, मतलब जहाँ एक्स होगा वहाँ मॉडुलस एक्स होना चाहिए, मतलब क्या हो जाएगा कि जी, हाँ तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मॉडुलस फाइव एक्स की जगह क्या हो जाएगा मॉडुलस एक्स माइनस टू, और ये मॉड क्लियर हो गया इज इक्वल टू, देखो ये मॉडुलस एक्स की वैल्यू एक्स ही तो होगी, तो इसको लिखेंगे मॉडुलस फाइव एक्स माइनस टू, यही इसका क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। देखते हैं सेकेंड, अब सेकेंड क्या हो गया इसका कि फॉग एक्स निकालेंगे, फॉग एक्स इज इक्वल टू, अब क्या होगा जहां, अब फॉग एक्स को मैं लिखूंगा एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स लिख देंगे। अब देखो जहां पर देखो ना जी एक्स की वैल्यू क्या है, ये है, रख देते हैं, तो उसको लिखेंगे एफ ऑफ मॉडुलस फाइव एक्स माइनस टू, ठीक है, फाइव एक्स माइनस टू इज इक्वल टू, अब देखिए f है ना, ये f ही तो है, अब देखो f और यहाँ x होना चाहिए था, देखो x है तो x की वैल्यू कितनी है मॉडुलस फाइव एक्स माइनस टू है ना, तो x की जगह यहाँ पर x की जगह क्या आ जाएगा, ये यही वैल्यू आ जाएगी, तो इसको लिखेंगे मॉडुलस, फिर एक मॉडुलस लगेगा, देखो इसके लिए मॉड ये है लेकिन x की जगह क्या रहा है मॉडुलस वाली टर्म आ रही है मॉडुलस फाइव एक्स माइनस टू, और ये मॉड क्लियर इज इक्वल टू। अब डबल मॉड है तो उसको सिंगल मॉड में परिवर्तित कर देते हैं, तो हो जाएगा मॉडुलस फाइव एक्स माइनस टू, और ये मॉड क्लियर, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो दोनों के आंसर राइट आ गए, सेम आ गए हैं, ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया आपका फर्स्ट। अब देखते हैं सेकंड क्या कहता है, एफ एक्स गिवन है तो मुझे यहाँ पर भी गॉफ एक्स निकालना है ना, गॉफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी ऑफ क्या हो जाएगा, जी ऑफ एफ एक्स हो जाएगा। अब देखो ना एफ एक्स की वैल्यू बताओ, एफ एक्स की वैल्यू कितनी एट एक्स क्यूब है, तो उसको लिखेंगे जी इंटू क्या हो जाएगा कि ये हो जाएगा एट एक्स क्यूब, ठीक है, एट एक्स क्यूब इज इक्वल टू, अब देखो कि जी एट एक्स क्यूब हो गया, यानी एक्स जहाँ था या जहाँ होना चाहिए वहाँ कितना आ गया एट एक्स क्यूब आया, मतलब इस एक्स की जगह एट एक्स क्यूब आया, तो इस एक्स की जगह एट एक्स क्यूब लिखूंगा कि नहीं मैं, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स रेस टू दी पावर, है ना, एक्स रेस देखो ये है ना एक्स की जगह, तो क्या लिखेंगे एट एक्स रेस टू दी पावर थ्री दी होल रेस टू दी पावर 1/3, ठीक है। अब देखो कि इसको ऐसे लिखेंगे, देखो ये एट पर भी आ जाएगा, तो एट रेस टू दी पावर 1/3 इंटू एक्स रेस टू दी पावर थ्री पहले से इंटू 1/3 हो जाएगा, देखो थ्री से थ्री कैंसल एंड आठ का क्यूब रूट कितना होगा, एट का क्यूब रूट ये हो जाएगा बेटा टू, तो टू इंटू एक्स, ये इसका आंसर होगा, टू एक्स आ गया आंसर। अब देखो यदि मैं फॉग एक्स की बात करूँ, फॉग एक्स की, तो फॉग एक्स इज इक्वल टू इसको लिखेंगे एफ ऑफ जी एक्स लिखेंगे। अब एफ ऑफ जी एक्स लिखा तो जी एक्स की वैल्यू कितनी है ना, तो जी एक्स की वैल्यू बेटा यहाँ पर एक्स रेस टू दी पावर 1/3 है। अब देखो ना जहाँ x होना चाहिए वहाँ पर x रेस टू दी पावर वन बाय क्या है, x रेस टू दी पावर 1/3 है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जहाँ x होगा वहाँ पर 1/3 x रेस टू दी पावर 1/3 लिखूंगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8, ये हो जाएगा x रेस टू दी पावर 1/3, देखो अब x रेस टू दी पावर कितना हो जाएगा 1/3, और ये होल रेस टू दी पावर देखो x पर कितनी की पावर है 3 की पावर है, तो 3 की पावर हो गई, देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 8x कितना हो जाएगा क्यूब, तो हट जाएगा, तो 8x आ गया इसका आंसर, ठीक है, ये 8x आ गया। अब देखो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में थोड़ा कुछ और अलग तरीका बताया था, वो भी तरीका यहाँ पर
थोड़ा सा सोचने की कोशिश करते हैं कि क्या वो ऐसा बना सकते हैं कि नहीं। यस बना सकते हैं, दो तरीके हैं इसको बनाने के। एक तो पहले मैंने यहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू रखा, चलो उल्टा काम करते हैं, मैं इसी को निकाल के बता देता हूँ तो आपको सब समझ में आ जाएगा कैसे निकालते हैं। देखो ये क्या हो गया, एफ ऑफ सॉरी जी ऑफ एफ एक्स हो गया, जी ऑफ एफ एक्स हुआ ना, तो अब जी ऑफ एफ एक्स है मतलब जहाँ एक्स होना चाहिए वहाँ एफ एक्स है, मतलब जहाँ एक्स है वहाँ एफ एक्स लिखना पड़ेगा मुझे। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा एफ एक्स दी होल रेस टू दी पावर 1/3, ऐसे ही तो लिखूंगा इस टर्म को ऐसे ही तो लिखूंगा मैं। अब देखो ना एफ एक्स की वैल्यू रख दो बस यहाँ पर, कितनी है 8x^3 दी होल रेस टू दी पावर 1/3। अब देखो ना 8 का 1 क्यूब रूट कितना होगा, 2 होगा, और बेटा x^3 1/3 है तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा तो ओनली x आएगा। देखो इससे भी आंसर सेम आया, तो अब चाहे ऐसे बनाओ चाहे ऐसे बनाओ तो दोनों से आंसर एक ही आते हैं। तो क्वेश्चन ये भी समझ में आ गए होंगे आपको, प्लीज़ पॉज द वीडियो नोट डाउन। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, यदि एफ एक्स इज इक्वल टू 4x+3/6x-4, एक्स इज नॉट इक्वल टू 2/3, है ना, एक्स की वैल्यू 2/3 नहीं होनी चाहिए, एक्स की वैल्यू 2/3 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखो यदि मैं एक्स की वैल्यू 2/3 रख देता हूँ, देखो यहाँ 2/3 रखूँगा तो 3 से 6 टू टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4-4 इज इक्वल टू 0, 0 है ना। किसी भी अगर मैं बात करूँ रेशनल नंबर में, है ना, किसी भी रेशनल नंबर में परिमेय संख्या में यदि Q क्या हो जाए, 0 हो जाए, यानी हर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो क्या यह परिभाषित होगी, क्या नहीं होगी, नॉन डिफाइंड नंबर्स हो जाएगा। जब डिफाइंड नहीं होगा इसीलिए हम क्या बात करेंगे कि x इज नॉट इक्वल टू 2/3। तो सिद्ध कीजिए कि सभी x इज नॉट इक्वल टू 2/3 के लिए f of fx इज इक्वल टू x, है ना, इक्वल टू क्या है x, और f का प्रतिलोम फलन क्या है हमें ये भी बताना है। तो देखिए हम इसको कैसे हल करेंगे, तो देखो सबसे पहले हम f of fx इज इक्वल टू x निकालते हैं। तो सबसे पहले देखिए इसको लिखेंगे f of fx इज इक्वल टू, अब देखो ध्यान से f of fx इज इक्वल टू fx है, अब इसको मैं लिखूंगा f of fx लिखेंगे, ठीक है। अब देखो इज इक्वल टू क्या होगा, इस fx की वैल्यू क्या है, इस fx की वैल्यू है, तो इसको लिखेंगे f, और ये हो जाएगा fx की वैल्यू 4x+3/6x-4, ठीक है। अब देखिए कि fx यहाँ टोटल x की जगह क्या है 4x+3/6x-4 है, मतलब इस x की जगह ही है, तो टोटल जितने भी x होंगे उसके जगह ही रखेंगे, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 x + 3/6x-4 अब देखो सीधे सीधे हल करते हैं, मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ और एलसीएम भी ले लेते हैं यहाँ पर, और ये हर को मैं कैंसिल आउट कर दूंगा, आप 12th में समझ लीजिएगा कैसे कर रहे हैं। देखो 4 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 16x+12, एंड इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे हम यहाँ पर तो हो जाएगा +18x-12/, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा देखो इसका जो हर रहेगा उसके इसके हर से कट जाएगा, तो लिखूंगा नहीं मैं सीधे लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा बेटा कितना हो जाएगा 24x, ये हो जाएगा 24x प्लस 18 फिर माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें करूँगा तो 24x माइनस माइनस प्लस एंड कितना हो जाएगा 4 4 जा 16, है ना, 6 18, ठीक है। अब देखो ध्यान से देख कितना हो जाएगा, अब इसको हल करेंगे तो अब ये हो जाएगा बेटा इज इक्वल टू, देखो 12 से 12 कैंसिल हो गया, है ना, अब देखो 24 से माइनस 24 कैंसिल हो गया, अब इसकी बात करेंगे अगर मैं ऐड कर देता हूँ तो 16 और 18 कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 and 34 कैंसिल होगा तो इज इक्वल टू बचेगा क्या मेरे पास, ओनली x ही तो बचा, मतलब क्या आ गया f of fx इज इक्वल टू कितना हुआ x हुआ। तो हमको ये तो प्रूव करना था कि f of fx इज इक्वल टू कितना हो जाता है x। अब देखो f का प्रतिलोम ज्ञात करना है, अब देखो ना कि अगर स्वयं फंक्शन में अगर स्वयं फंक्शन की बात करें और इसकी वैल्यू x हो जाती है, इसकी वैल्यू x हो जाती है तो दिया गया फंक्शन कैसा हो जाता है, प्रतिलोम फंक्शन हो जाता है, प्रतिलोम फंक्शन होगा मतलब ये स्वयं का स्वयं से ही तो होगा प्रतिलोम, क्योंकि f का प्रतिलोम ज्ञात करना है, तो भैया f का f से ही तो ज्ञात किया मैंने, तो क्या होगा f का प्रतिलोम क्या हो जाएगा हमारा f ही होगा,
ही होगा। एफ ही क्यों है, क्योंकि देखो ना यहाँ पर एफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स निकाला हूँ। अगर मैं एफ ऑफ जी एक्स निकालता था, एफ ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू एक्स निकालते थे, तो एफ का प्रतिलोम जी निकलता था ना। एफ का प्रतिलोम क्या निकलता था, जी निकलता था, जिसको हम एफ इनवर्स रिप्रेजेंट करते थे। तो यहाँ पर एफ का प्रतिलोम एफ ही होगा, मतलब एफ का प्रतिलोम को एफ इनवर्स से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब स्वयं ही है, तो आप एफ ही लिख सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। कारण सहित बतलाइए कि क्या निम्नलिखित फलनों के प्रतिलोम हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन दिया गया है हमको, यहाँ कारण सहित बताना है कि क्या ये जो निम्नलिखित जो फलन दिए गए हैं, जो फलन एफ है, जी है और एच है, ये जो फलन दिए हैं ना, ये फलन के प्रतिलोम हम ज्ञात कर सकते हैं या इनके प्रतिलोम है या नहीं, हमें ये बताना है, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन, अभी हम पहले को ही समझते हैं सीधे सीधे और सरल भाषा में। देखो पहला दिया गया है, अब देखो पहला जो फंक्शन है एफ, एफ क्या दिया गया है, एक सेट दिया है, एक सेट से दूसरे सेट, पहला सेट, बहुत ही ध्यान समझना और एकदम सरल भाषा में समझना इसको, है ना। मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर मैं इस को फर्स्ट सेट मान लूँ, सेट ए मान लेता हूँ, ठीक है, ये ए हो गया। बहुत ही ध्यान से और अच्छे से समझिएगा तो बहुत सरलता से समझ में आ जाएगा। 1, 2, 3 and 4 एंड एक सेट बी है जिसमें एलिमेंट क्या है, ओनली 10 है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर जो फंक्शन दिया गया है, तो इसमें 1 की इमेज 2 है, ठीक, 2 की इमेज 10 है, 3 की इमेज 10 है एंड 4 की इमेज 10 है, दिख रही है आपको। तो हम क्या कहेंगे, देखो यहाँ पर इस सेट ए के प्रत्येक जो एलिमेंट है, इसका जो इनके जो प्रतिबिंब है वो एक ही एलिमेंट है, अदर सेट बी में एक ही एलिमेंट है कि नहीं, मतलब यहाँ पर जितने भी एलिमेंट है सभी की इमेज एक ही बन रही है। तो क्या ये एक एक ही होगा, क्या नहीं, ये एक एक ही नहीं है, ये एक एक ही क्या है, नहीं है। जब ये एक एक ही नहीं है, जब ये फंक्शन एक एक ही नहीं है, तो सीधी सी बात मैं कहूँगा कि इसका प्रतिलोम नहीं होगा। इसका प्रतिलोम क्या होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जिन जो फंक्शन एक एक ही और आच्छादक दोनों होंगे उनके हम प्रतिलोम निकाल सकते हैं, लेकिन जो फलन भैया एक एक ही है ही नहीं, तो आच्छादक की बात करूँगा ही ना, जब एक नहीं है तो आच्छादक की बात करनी नहीं ना, जब एक एक ही नहीं है तो वो तो उसका इनवर्स ज्ञात नहीं कर सकता, तो आच्छादक के ऊपर क्यों जाऊँ, ठीक। तो एक एक ही नहीं है, जब एक एक ही नहीं है तो क्या नहीं होगा, ये इसका इनवर्स आप नहीं निकाल सकते, प्रतिलोम नहीं निकाल सकते। दूसरा फंक्शन देखो जी, अब जी में क्या दिया गया है, एक सेट दिया गया है, ये ए, इसको ए मानते हैं, इस सेट को बी मान लेते हैं, यहाँ पर ये बी हो गया, ये एफ के लिए था और ये जी के लिए बात करते हैं। कितना हो जाएगा, 5, 6, 7, 8 है ना, जी एक्स मानते हैं, ठीक है। बी क्या दिया गया है, 1, 2, 3, 4 देखो यार यहाँ पर फंक्शन में 5 की इमेज क्या है, 4 है, 6 की इमेज 3, चलो ठीक, 7 की इमेज 4 एंड 8 की इमेज 2। अब देखो आपको दिख रही है 5 और 7 की इमेज 4 ही दिख रही है, दोनों की इमेज 4 दिख रही है। मैंने क्या बोला हूँ कि एक एक ही क्या होता है, एक एक ही डेफिनेशन हम देखे थे कि किसी भी, है ना, एक एक ही में क्या होता है, किसी जो एक सेट है, जैसे सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट यानी भिन्न भिन्न अवयवों की, इस सेट ए के भिन्न भिन्न अवयवों की इस सेट बी में भिन्न भिन्न इमेज फाइंड होनी चाहिए, पर यहाँ तो ऐसा हो ही नहीं रहा है। 5 और 7 की इमेज 4 ही है और 5 is not equal to 7, 5 और 7 इक्वल नहीं है, मतलब दिया गया जो फंक्शन दिया है वो एक एक ही नहीं है। तो एक एक ही नहीं है तो क्या ये इसका प्रतिलोम होगा, क्या नहीं, इसका प्रतिलोम भी ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है। दो क्वेश्चन हो गए, तीसरा देखते बेटा, ये वाला है ना एच वाला। अब देखो ये हो गया हमारा ए और ये हो गया हमारा बी सेट, ठीक है। अब मैं एच एक्स फंक्शन की बात कर रहा हूँ, इसमें एलिमेंट क्या दिया गया है, 2, 3, 4, 5, ये दिया गया 2, 3, 4 and 5 एंड 7, 9, 11, 13 देखो 2 की इमेज 7 है यहाँ पर, 3 की इमेज 9 है, 4 की इमेज 11 एंड 5 की इमेज 13। अब देखो ना ये फंक्शन कैसा है, अब ये फंक्शन की बात करते हैं, तो ये फंक्शन में देखिए अब ध्यान से कि यहाँ पर भिन्न भिन्न अवयवों की भिन्न भिन्न क्या है, यहाँ पर प्रतिबिंब दिख रहा है आपको, है ना, भिन्न भिन्न एलिमेंटों की भिन्न भिन्न क्या दिख रहा है अपने पास, इमेज दिख रही है, ये यहाँ पर दिख रहा है आपको, नीचे तक दिख रहा है ना, पूरा क्लियर है यहाँ तक। तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पर भिन्न भिन्न अवयवों की भिन्न भिन्न प्रतिबिंब दिख रहा है, तो हम क्या कहेंगे। और दूसरी बात कि यहाँ पर जो सेकेंड सेट जो बी है, बी के जो एवरी एलिमेंट है, प्रत्येक अवयव है, वो किसी न यहाँ पर सेट ए के किसी न किसी अवयव की क्या है, इमेज है, मतलब ये एक एक की भी है, ये एक एक की भी है और एक ऐसा आच्छादक भी है,
जब एक एक ही हो गया तो अच्छा तक की बात करना है यहाँ पर, ठीक है, एक एक ही भी है और अच्छा तक भी है, तो इसका हम इन्वर्स भी ज्ञात कर सकते हैं, मतलब इसका इन्वर्स होगा। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कहा था कि बताया कि क्या निम्नलिखित फलों के प्रतिलोम है, कारण सहित बता रहे हैं हमको, तो इसके प्रतिलोम है या नहीं हमने कारण सहित बता दिए कि देखो इसमें एक एक ही नहीं था इसलिए इसका प्रतिलोम नहीं हो सकता, इसमें ये भी एक एक ही नहीं था इसका प्रतिलोम नहीं हो सकता, लेकिन ये एक एक ही अच्छा तक दोनों है इसलिए इसका प्रतिबिंब सॉरी इसका क्या होगा प्रतिलोम जरूर होगा। तो ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, प्लीज पॉज द वीडियो नोट डाउन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया, सिद्ध कीजिए कि एफ फॉर्म -1:1 है ना, ये क्या है ओपन ब्रिकेट है हमारे पास दिया गया है यहाँ पर है ना, जिसको हम क्या कहते हैं सरफाकर या कह सकते हैं क्लोज इंटरवल, तो नहीं हाँ क्लोज इंटरवल कहेंगे इसको है ना, क्लोज इंटरवल क्या दिया गया -1:1 एंड क्या दिया गया है 2R और fx इज इक्वल टू x/(x+2) द्वारा प्रदत्त फलन एक एक ही है, फलन एफ फॉर्म -1:1 है ना, टू एफ का परिसर का प्रतिलोम फलन ज्ञात कीजिए। हमको सिद्ध करना है कि पहली बात हमको ये सिद्ध करना है कि जो फंक्शन है वो -1:1 2R fx इज इक्वल टू x/(x+2) द्वारा प्रदत्त फलन कैसा है एक एक ही है, एक एक ही है या नहीं ये पहले हमको सिद्ध करना है, ठीक है। तो देखिए आप इसको कैसे हल करेंगे, अब इसको हल करने के लिए सबसे पहले आपको जो दिया गया फलन उसको लेंगे, तो क्या दिया गया फंक्शन fx दिया गया हमारे पास, क्या दिया गया है fx दिया गया है, fx इज इक्वल टू कितना है x/(x+2) है, fx इज इक्वल टू कितना है x/(x+2) है, ठीक है ये दिया गया है हमारे पास। अब हम क्या बात करेंगे यहाँ पर, ये जब कंडीशन दी गई है तब हम ये कहेंगे कि x1 एंड x2 है ना, x1 एंड x2 इज़ बिलोंग टू क्या हो जाएगा -1:1 दिया गया है हमारे पास में, इस प्रकार है कि क्या बात कर लेंगे हम fx1 इज़ इक्वल टू fx2, ऐसे तो निकालते थे हम एक एक ही को ऐसे तो याद करते थे, देखो fx1 इज़ इक्वल टू fx2। अब देखिए fx1 की वैल्यू रखेंगे, जहाँ पर x है वहाँ पर x1, जहाँ पर x है वहाँ पर x2 की बात करेंगे इधर, ठीक है। तो देखो ये हो जाएगा x1 अपान x1 प्लस 2 इज़ इक्वल टू x2 अपान x2 प्लस 2 हो जाएगा। अब क्या काम करेंगे हम यहाँ पर, अब देखो कंडीशन को समझते हैं अच्छे से, अब जब आप इसको अच्छे से हल करोगे तो इसका ट्रांसफ़र इधर एंड इसका ट्रांसफ़र इधर कर दो, तो हो जाएगा x1 x2 प्लस x1 2, या आप बोल सकते हैं 2x1 फिर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका ट्रांसफर इधर करेंगे तो x1 x2 प्लस 2x2। अब देखो x1 x2 से x1 x2 कैंसल आउट हो जाएगा, बचा 2x1 प्लस यानी इज इक्वल टू 2x2 2 से 2 भी कैंसल आउट हो जाएगा, तो x1 इज इक्वल टू x2। जब x1 इज इक्वल टू x2 हुआ तो ये कैसा हो गया फंक्शन, अतः फंक्शन कैसा हो जाएगा, ये एक एक ही हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बेटा एक एक ही हो जाएगा, एक एक ही है, अतः फलन कैसा है एक एक ही है। अब फलन एक एक ही हो चुका है तब हम क्या बात करेंगे कि माना कि यहाँ पर बोलेंगे माना कि सह डोमेन का कोई अवयव क्या हो जाएगा वाई है। अब हम बात कर लेते हैं कि माना कि सह डोमेन का कोई अवयव क्या है हमारे पास y है, तब हम कहेंगे कि y इज इक्वल टू fx, तब हम क्या कहेंगे कि y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा fx हो जाएगा। अब fx की वैल्यू रख दो, fx की वैल्यू दी गई हमारे पास, तो हो जाएगा बेटा y इज इक्वल टू x/(x+2) हो जाएगा, ठीक है क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू x/(x+2) होगा। अब देखो इसका ट्रांसफर इधर कर देंगे हम तो क्या हो जाएगा हमारे पास, तो होगा बेटा इसका गुना इधर करूँगा तो हो जाएगा y x+2y, ठीक है इसका इधर गुना करेंगे तो y इंटू एक्स और y इंटू टू हो जाएगा इज़ इक्वल टू x। अब देखिए इस यहाँ जब ये बात हो गई तब हम क्या काम करेंगे कि इस x का ट्रांसफ़र इधर कर दीजिए या इसको यहीं रखो इसका ट्रांसफ़र इधर करो, तो अब क्या करेंगे ये हो जाएगा x-yx = 2y, ठीक है ये रह जाएगा। अब देखो दोनों में x दिख रहा है कॉमन कर दीजिए तो बचा कितना 1-y = 2y, देखो इसका ट्रांसफर इधर करो तो x = क्या हो जाएगा 2y/(1-y) है ना 1-y, एंड हम यहाँ क्या कहेंगे कि जो y है ना y is not equal to 1 यानी y
वन के इक्वल नहीं होना चाहिए, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अब देखिए आगे बात करेंगे हम, यहाँ पर इतनी चीज़ क्लियर हो गई कि एक्स इज इक्वल टू हमने क्या निकाल दिया, टू वाई अपन वो वन माइनस वाई निकाल दिए। अब हम क्या बात करेंगे यहाँ पर कि प्रत्येक, अब बात करेंगे प्रत्येक, अब सेकेंड टर्म देखते हैं यहाँ पर, अब क्या हो जाएगा प्रत्येक की बात कर दिए तो हम दूसरी बात क्या कहेंगे कि अब सेकेंड इसको चेंज कर देंगे, है ना, परस्पर चेंज करेंगे कंडीशन को, तो अब क्या हो जाएगा कि ये हो जाएगा एफ फॉर्म, क्वेश्चन सही लिखे ना हमने, ठीक है, एफ फॉर्म माइनस वन टू वन ऑफ ए परिसर दिया गया है, है ना। तो प्रत्येक हम क्या कहेंगे यहाँ पर कि जो चेंज कर देंगे, है ना, कंडीशनों को क्या करेंगे हम चेंज करेंगे कि प्रत्येक वाई इज़ बिलोंग टू रियल नंबर, है ना, जिसमें क्या नहीं होना चाहिए, वन नहीं होना चाहिए, तो माइनस वन कर देते हैं यहाँ पर, माइनस वन कर देते हैं, ठीक है। वाई इज़ बिलोंग टू रियल नंबर बट माइनस वन क्या हो जाएगा, एक्स इज बिलोंग टू, अब एक्स इज बिलोंग टू की बात करते हैं तो एक्स कहाँ बिलोंग कर रहा है, माइनस वन से वन में बिलोंग कर रहा है, माइनस वन से वन में बिलोंग कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा कि माइनस वन से वन बात कर देते हैं, इस प्रकार अस्तित्व रखता है कि, अस्तित्व रखता है कि क्या हो जाएगा, अब इस प्रकार से अस्तित्व रखेगा कि ये जो हो जाएगा एफ एक्स, है ना, एफ एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब हम एफ एक्स की बात करेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू देखो एफ की जगह एफ हो जाएगा, अब इस एक्स की वैल्यू रख दो, एक्स की वैल्यू कितनी है, ये दिया गया हमारे पास, ये हो जाएगा टू वाई अपान वन माइनस वाई, अब देखिए इज इक्वल टू, अब क्या होगा टर्म कि एफ जहाँ पर एक्स होना चाहिए वहाँ पर कितना है, टू वाई अपान वन माइनस वाई है, तो जहाँ एक्स है वहाँ पर टू वाई अपान वन माइनस वाई रखेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर रखेंगे जहाँ एक्स है वहाँ पर, तो जाएगा टू वाई अपान वन माइनस वाई पूरे के बटे में कितना हो जाएगा, टू वाई अपान वन माइनस वाई प्लस टू हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, सॉल्व कर देंगे तो यहाँ लिख लेते हैं, देखो इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2y, ओनली 2y लिखेंगे यहाँ पर, अब 2y क्यों लिखे, क्योंकि देखो 2y रह गया, 1 माइनस वाई, 1 माइनस वाई सेम है, कैंसिल हो जाएगा अपान, अब देखो ये 2y होगा तो ये 2y लिख दिए, प्लस देखो 1 का मल्टीप्लाई 2 में करूँगा तो 2 ही हो जाएगा, माइनस वाई का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2y, देखो 2y से 2y कैंसिल एंड 2 से ये 2 कैंसिल तो y ही आया, तो कितना हो गया एफ एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया y, तो ये क्या बात करेंगे हम एफ एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया y हो गया, इतनी बात समझ में आ गया, जब एफ एक्स इज इक्वल टू वाई हो गया अतः फलन कैसा है, अतः फलन कैसा हो जाएगा, अतः फलन आच्छादक है, कैसा है आच्छादक है, ये आच्छादक है, ये एकेकी भी हो चुका है, देखो फलन कैसा हो चुका है, एकेकी भी है और आच्छादक भी है, जब एकेकी है और आच्छादक है तो हम इसके प्रतिलोम की बात करेंगे, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया आपको, जगह नहीं है, है ना, तो हम इसको यहां से क्लीन कर देंगे, तो प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, देखते हैं यहां पर, अब देखो क्या लिखेंगे, अतः एफ इस प्रकार, यानी अतः एफ अब क्या हो गया, एकेकी हो गया और अच्छा तक हो गया, तो हम क्या बोलेंगे, अतः एफ इनवर्स कैसा है, अतः एफ इनवर्स विद्यमान है, यहाँ पर विद्यमान है, अतः एफ इनवर्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर विद्यमान हो जाएगा। अब हम मान लेते कि माना जी फॉर्म है ना, जी फॉर्म, अब सेकेंड टर्म की बात करते हैं, अब जी फॉर्म क्या होगा यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा जी फॉर्म आर टू क्या हो जाएगा, माइनस वन, है ना, माइनस वन टू वन हो जाएगा, ठीक है, आर फ्रॉम माइनस वन टू वन होगा, अब माइनस वन टू वन हो जाएगा में, माइनस वन टू वन में, अब फंक्शन क्या है, अब फंक्शन क्या निकाले हमने कि एफ एक्स इज इक्वल टू, देखो एफ एक्स इज इक्वल टू कितना निकाले हमने, वाई निकाल दिए, जब एफ एक्स इज इक्वल टू वाई निकाले थे और यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू कितना निकाले थे, टू वाई अपान वन माइनस वाई लिखे थे, तो इस एक्स को मैं, इस एक्स को जी वाई भी तो कह सकता हूँ, और ये मैंने आपको बताया था, है ना, इन्वर्टिबल फंक्शन में बताया था प्रतिलोम फलन में कि जी वाई लिख सकते हैं इस एक्स को, तो अब क्या हो जाएगा, अतः क्या हो जाएगा कि मान लिया कि जी फ्रॉम आर टू क्लोज इंटरवल कितना हो जाएगा, माइनस वन टू वन में, है ना, माइनस वन टू वन में, इस प्रकार से यानी फलन जो है जी एक्स या सॉरी जी वाई इज इक्वल टू टू वाई अपान वन माइनस वाई इस प्रकार अस्तित्व रखता है कि, अब इस प्रकार से अस्तित्व रखेगा कि अगर हम गॉफ निकालेंगे, गॉफ जो निकालेंगे गॉफ एक्स, है ना, गॉफ एक्स निकालेंगे, वो क्या निकल जाएगा,
x निकलेगा और हम फॉग जो निकालेंगे y, वो y निकल जाएगा। तो देखो गॉफ x इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे g ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स। अब देखो ना जी ऑफ एफ एक्स हो गया, अब जी ऑफ एफ एक्स है तो अब देखो इसको लिखेंगे जी ऑफ एफ एक्स हो गया तो ये जी हो गया, और इस एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, अब देखो ना एफ एक्स की वैल्यू दिख रही है हमारे पास एक्स अपॉन एक्स प्लस टू है ना, एक्स अपॉन एक्स प्लस टू हो गया। अब फंक्शन देखो जी, अब देखो जहाँ पर वाई है वहाँ पर कितना है एक्स अपॉन एक्स प्लस टू लिखना है, मतलब जहाँ है वहाँ होगा वहाँ पर एक्स अपॉन एक्स प्लस टू लिखना पड़ेगा। मतलब लिखो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू एक्स अपॉन एक्स प्लस टू अपॉन वन माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस टू हो जाएगा। अब देखो इज इक्वल टू, टू का मल्टीपल यहाँ करेंगे तो हो जाएगा टू एक्स अपॉन, अब ध्यान से देखो इसका मल्टीपल कर देता हूँ, हर से हर कैंसिल आउट कर दूंगा, लिखना नहीं है। देखो इसको लिखेंगे एक्स प्लस टू माइनस एक्स, ठीक एक्स से एक्स कट गया और ए टू से टू कैंसिल, तो बचा कितना मेरे पास एक्स आ गया, एक्स आ गया, क्या आ गया गॉफ एक्स इज इक्वल टू एक्स हो गया। अब गॉफ एक्स इज इक्वल टू एक्स हो चुका है। अब सेकंड टर्म में देखते हैं, तो आप इसको भी वीडियो को पॉज करके इसको राइट कर लीजिए। तो देखिए अब हम निकालेंगे फॉग, अब हम क्या निकालेंगे फॉग निकालेंगे फॉग, अभी हमने क्या निकाला था गॉफ निकाला था, अब निकालेंगे फॉग वाई है ना, फॉग वाई इज इक्वल टू, अब देखो ना फॉग वाई को मैं लिख सकता हूँ जी ऑफ सॉरी एफ ऑफ जी वाई, लिख सकते हैं एफ ऑफ जी वाई, और जी वाई की वैल्यू कितनी निकाले थे अभी हमने जी वाई की वैल्यू कितनी निकाले थे, तो जी वाई की वैल्यू निकाले थे कि निकाल दिए थे एफ इन टू, ये हो जाएगा बेटा टू वाई अपान वन माइनस वाई, ठीक है। अब देखिए कि जहाँ पर एक्स होना चाहिए वहाँ पर टू वाई अपान वन माइनस वाई है, वहाँ पर देखो जहाँ पर एक्स होना चाहिए था वहाँ पर टू वाई अपान वन माइनस वाई है, तो जहाँ पर भी x होगा वहाँ पर 2y अपान 1 माइनस वाई लिखूँगा, मतलब इसको लिखेंगे 2y अपान 1 माइनस वाई अपान में क्या हो जाएगा x की जगह 2y अपान 1 माइनस वाई प्लस 2 होगा, ठीक है इज इक्वल टू, अब हल करोगे इसको तो हर को लिखना नहीं, सीधे 2y अपान क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा 2y प्लस 2 माइनस 2y, देखो 2y से 2y कट गया और 2 से 2 कट गया तो इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास y, मतलब फॉग y इज इक्वल टू क्या हो गया y, अतः हम क्या बोलेंगे, अतः f इनवर्स इज इक्वल टू क्या होगा 2y है ना, 2y अपान 1 माइनस वाई, 2y अपान 1 माइनस वाई होगा, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। प्लीज पॉज द वीडियो नोट इट डाउन। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, एफ एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 3 द्वारा प्रदत्त फलन f फ्रॉम r टू r पर विचार कीजिए, सिद्ध कीजिए कि f व्युत्क्रमणीय है, f का प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। देखो बहुत ही अच्छी बात दिया है हमारे पास, क्या दिया है हल में कि फलन f फ्रॉम r टू r दिया है एंड एफ एक्स इज इक्वल टू क्या गिवन है हमारे पास 4x गिवन है प्लस 3, ठीक है 4x प्लस 3, हमको ये बताना है कि f व्युत्क्रमणीय है। व्युत्क्रमणीय बताने के लिए ये तो क्या होगा एक एक ही होना चाहिए और अच्छा दक होना चाहिए, अब एक एक ही है या अच्छा दक है, एक एक ही अच्छा दक है हम ये बता देते हैं और फिर बता देंगे कि f का प्रतिलोम, ठीक है। तो आपको एक एक ही बताने के लिए याद रखना है कि माना आप क्या बोलेंगे कि x1 एंड x2 है ना, x1 एंड x2 इज बिलोंग टू आर, रियल नंबर में बोल रहा है डोमेन है ना, डोमेन के एलिमेंट ले लेते हैं, इस प्रकार है कि क्या करेंगे अब, इस प्रकार है कि क्या हो जाएगा कि एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू, यही तो निकालते हैं मैं के लिए, अब वैल्यू रख दो तो हो जाएगा 4, जहां x है वहां x1 कर देंगे, x1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4x1 प्लस 3, ठीक है 3 से 3 कट गया 4 से 4 कट गया तो x1 इज इक्वल टू x1, अतः कैसा है एक ही है। पहली तो कंडीशन समझ में आ गई, दूसरी कंडीशन देखते हैं है ना, पहली कंडीशन समझ में आ गई आपके, अब दूसरी कंडीशन के लिए देखते हैं, माना कि क्या हो जाएगा सह डोमेन में जो R है, R का कोई अवयव y इस प्रकार है कि क्या हो जाएगा, इस प्रकार है कि
y इज इक्वल टू एफ एक्स, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा। अब देखिए ये y की जगह y, लेकिन एफ एक्स की वैल्यू क्या थी हमारे पास, एफ एक्स की वैल्यू दी है 4x plus 3। अब देखो x की वैल्यू यहाँ से निकाल देते, 3 का ट्रांसफर कर दीजिए तो हो जाएगा 4x इज इक्वल टू y माइनस 3 एंड x इज इक्वल टू 4y माइनस 3 अपॉन 4 हो जाएगा। तो हमने x की भी वैल्यू निकाल चुके हैं यहाँ पर कि x इज इक्वल टू y माइनस 3 अपॉन कितना हो गया, 4 हो गया। अब देखिए कि ये टर्म हो गई, जब ये टर्म हो चुकी है तब अब नेक्स्ट टर्म क्या कहेंगे, है ना, यहाँ पर कि नेक्स्ट टर्म क्या कहेंगे कि प्रत्येक प्रत्येक आप ये कह सकते हैं कि r इज बिलोंग टू सॉरी प्रत्येक y इज बिलोंग टू r। अब प्रत्येक y इज बिलोंग टू r के y इज बिलोंग टू r एंड x इज बिलोंग टू r। देखो y भी, देखो y भी r में बिलोंग करता है और x भी r में बिलोंग करता है, इस प्रकार है ना, इस प्रकार विद्यमान है, विद्यमान है कि, अब विद्यमान है कि क्या हो जाएगा टर्म, अब विद्यमान होगा कि आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या होना चाहिए कि जो y है ना, या जब क्या कहेंगे कि जो एफ एक्स है, एफ एक्स इज इक्वल टू, अब देखो कि यहाँ पर x की वैल्यू रख दो तो x की वैल्यू क्या है, f इंटू क्या है x की वैल्यू, y माइनस थ्री अपान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इज इक्वल टू, अब देखो जहाँ पर x होना चाहिए था, एफ एक्स होना चाहिए था, तो वहाँ पर क्या है, y माइनस 3 अपान 4 है, मतलब x की वैल्यू y माइनस 3 अपान 4 है, तो इस x की जगह यानी कितना है, y माइनस 3 अपान 4 है, तो यहाँ पर x की जगह क्या आ जाएगा, y माइनस 3 अपान 4 हो जाएगा। तो उसके लिखेंगे 4 y माइनस 3 अपान 4 प्लस 3, ठीक है, तो 4 से 4 कैंसिल आउट, तो y माइनस 3 प्लस 3 हो जाएगा, तो 3 से 3 कैंसिल आउट, तो इज इक्वल टू y, मतलब एफ एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, y आ चुका है, एफ एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, y आ चुका है, मतलब फलन कैसा है, अतः यह फलन कैसा है, अतः f कैसा हो जाएगा, आच्छादक भी है ना, आच्छादक है, आच्छादक है, अतः कैसा हो जाएगा, हमने क्या बोला था कि यह व्युत्क्रमणीय होगा, जब ये एकेकी और आच्छादक होगा तो कैसा हो जाएगा, अतः हम ये कह सकते हैं कि अतः यह व्युत्क्रमणीय भी है, व्युत्क्रमणीय भी है, ठीक है, ये व्युत्क्रमणीय भी दे दिया गया है, व्युत्क्रमणीय भी हो गया। अब सेकेंड टर्म हमको क्या बोला उसने कि f का प्रतिलोम भी ज्ञात करना है, हमें f का प्रतिलोम भी ज्ञात करना है, तो f के प्रतिलोम को हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए अब हम मान लेते हैं कि माना एक हमारे पास फंक्शन g है, तो g फॉर्म अब इसका ले लेते हैं उल्टा, अब जो डोमेन है वो कोडोमेन और जो डोमेन है वो कोडोमेन हो जाएगा, तो g फॉर्म r टू r है ना, g फॉर्म क्या हो जाएगा r टू r। अब r टू r निकाले, r टू r में है ना, r टू r में क्या हो जाएगा हमारा कि जो जी वाई होगा, जी वाई जो जी वाई है मतलब जो x की वैल्यू है इसको हम जी वाई कहेंगे, इज इक्वल टू इसी को हम क्या कह देते हैं, जी वाई कहेंगे, ठीक है, तो जी वाई क्या दिया गया, जी वाई इज इक्वल टू y माइनस थ्री अपान फोर। अब क्या हो जाएगा, y माइनस थ्री अपान फोर द्वारा परिभाषित फलन है, द्वारा है ना, यहाँ आप ये लिख सकते हैं y फोर हो गया। अब देखो हम यहाँ पर क्या करेंगे, फॉग और गॉफ निकाल देंगे, तो सबसे पहले मैं गॉफ निकाल देता हूँ, गॉफ x इज इक्वल टू यदि गॉफ x इज इक्वल टू कितना आ जाता है x, और फॉग x इज फॉग y इज इक्वल टू y आता है, तो हम इसका एकेकी भी ज्ञात कर सकते हैं, और एकेकी क्या हो जाएगा, एकेकी जो रहता है x वही क्या कहलाता है, सॉरी एकेकी बोलता हूँ, जो हम क्या निकाल देंगे, प्रतिलोम निकालेंगे, और प्रतिलोम ही क्या कहलाएगा, जो x निकालते हैं वही प्रतिलोम कहलाता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, गॉफ x इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे g ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू, जहाँ अब एफ एक्स की वैल्यू रखो, यहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 4x plus 3 है, तो g इंटू 4x plus 3 हो जाएगा, एंड x की, अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y की वैल्यू कितनी आ गई, 4x plus 3 है, तो जहाँ y है वहाँ पर 4x plus 3 कर दो, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 4x plus 3 है ना, 4x plus 3 माइनस 3 अपान कितना होगा, 4, अब देखो 3 से 3 कैंसिल और ये 4 से 4 कैंसिल, इज इक्वल टू कितना हो गया, x हो गया। अब देखो फॉग निकालेंगे, तो फॉग y हो जाएगा, फॉग y इज इक्वल टू एफ ऑफ जी वाई है ना, एफ ऑफ जी वाई इज इक्वल टू, अब क्या बोलेंगे हम यहाँ पर कि देखो जहाँ पर जी वाई है तो जी वाई की वैल्यू रख दो, जी वाई की वैल्यू ये है, तो कितना हो जाएगा f, और ये हो जाएगा y माइनस 3 अपान 4 होगा। अब देखो ना जहाँ पर x है वहाँ पर y माइनस 3 अपान 4 है, तो जहाँ x होगा वहाँ पर y माइनस 3 अपान 4 रखेंगे, इज इक्वल टू 4
और ये हो जाएगा y माइनस थ्री अपान फोर और ये प्लस थ्री, तो देखो फोर से फोर कैंसिल एंड थ्री से थ्री कैंसिल, तो इज इक्वल टू क्या हो गया, y हो गया हमारे पास। तो हमने क्या निकाल दिए, फॉग x इज इक्वल टू x निकाल दिया और गॉफ y इज इक्वल टू गॉफ x इज इक्वल टू x एंड फॉग y इज इक्वल टू y निकाल दिए। मतलब दिया गया फंक्शन क्या हो गया, इन्वर्टिबल हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, प्रतिलोम हो जाएगा, इन्वर्स फंक्शन है। अतः हम क्या कहेंगे, अतः f का प्रतिलोम, f का प्रतिलोम f इनवर्स कौन सा होगा, यही x की वैल्यू होगी, क्या है, वाई माइनस थ्री अपान फोर, मतलब y माइनस थ्री अपान फोर ये हो जाएगा, इज इक्वल टू y माइनस थ्री अपान फोर है, यही आपका क्या है, आंसर है। समझ में आया, प्लीज़ पॉज द वीडियो नोट।